ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आपके जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। इस घटना से पहले अगर आप संभल जाएंगे तो शायद आप एक बहुत बड़ी परेशानी से बाहर आ सकते हैं। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने जीवन में आने वाले दिनों में एक बड़ी परेशानी से बच पाएं। क्योंकि ये घटना तो होके रहेगी, इस घटना को सिर्फ आप सावधानी से, अपनी चेतना से इसे रोक सकते हैं। तो वो क्या घटना है उसे समझ लो, बारीकी से समझ लो, ताकि आपके जीवन में सकारात्मकता बनी रहे। दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी कुंडली का एनालिसिस अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात जरूर करें। आने वाले लगभग 90 दिनों की बात मैं कह रहा हूँ कि आने वाले 90 दिनों के भीतर आप किसी भी प्रकार से कर्ज लेन या देन से बचें। यहाँ पर थोड़ी सी ये बात सोच लें कि लालच वाला भाव न हो। अगर आने वाले 90 दिनों में आप किसी कर्जे के जाल में फंसते हैं, पैसे डबल या कम ब्याज दर या हमें ज़्यादा ब्याज दर मिल जाए, कुल मिलाकर धन से संबंधित जितनी सारे मामले हैं उनमें आपको अतिरिक्त जागरूक रहना है। इसमें छूट उन लोगों के लिए जो बैंक से लोन ले रहे हैं या जिनका पहले से इस चीज़ को लेकर एक सकारात्मक पहल चल रही है, उन लोगों को इस चीज़ से रियायत है। लेकिन अभी त्वरित कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है, अन्यथा हमारे साथ धन का छल कपट हो सकता है। ये बात ध्यान रखें। दूसरी और सबसे ज़्यादा बड़ी दुर्घटना है कि अपनी जो रहस्य है, कुछ गोपनीय बातें, वो कभी किसी से शेयर मत करना, अन्यथा ये बातें अगर लोगों को पता लगेगी तो इसका मिसयूज आपके साथ होकर आपके साथ एक दुर्घटना हो सकती है। और ज़्यादातर लोगों के साथ इसी तरह की घटनाएं अभी आने वाले 15 दिनों में हुई है, तो कहीं आपके साथ ये सिचुएशन ना हो दोस्तों। इसके अलावा एक सबसे मेन चीज़ यह भी है कि मन में डर ना रखें, निडर रहें, डर से ज़्यादा अपने इष्ट पर यकीन रखें। अगर मन में डर है, अज्ञात एक डर है, उस डर को भी निकाल दें, अन्यथा वो डर आपसे कई सारी गलतियां कराकर आपको एक बड़ी दुर्घटना की ओर धकेल सकता है। ये वीडियो बनाने का मकसद मुझे आपको डराना नहीं है, आपको सिर्फ सचेत करना है। उसके बाद भी आप अतिरिक्त चीज़ों से बचना चाहते तो अपने गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।